सब्जी जो ऑर्डर करी है वो जल्दी से भैया ने ला के दे दी हमको। एक है सेव टमाटर और एक है भिंडी दो प्याज। Hi guys, welcome back to another episode of Indori Chatore. तो यार भी आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने फिर से आ चुके हैं और आज चीकू भैया मेरे को लाए हैं एक ढाबे पे जो कि सिटी के अंदर ही है। बिल्कुल, अभी हम लोग आए हैं श्री दत्त ढाबा, जहाँ पर मिलती है बहुत ही अच्छी, मेरी फेवरेट सेव टमाटर, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। पर चीकू भैया बोले थे कि यार ये रेती मंडी स्क्वायर के आसपास, मतलब राजनगर वाले रूट पे ना एक श्री दत्त ढाबा है जहाँ पे बहुत अच्छी सेव टमाटर मिलती है और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो मैं यार कभी गया तो नहीं हूँ, जल्दी से चलते हैं पहली बार और चल के टेस्ट करते तो आ गए बस। और बहुत टाइम हो गया था यार ढाबे पे डाइन इन भी नहीं करा था। बिल्कुल यार, अब ये सिटी के अंदर ढाबा है और एकदम मतलब कॉम्पैक्ट स्पेस में बहुत अच्छा ढाबा फूड सर्व कर रहा है, तो जल्दी से चलते हैं और आपको पहले एड्रेस समझा देता हूँ मैं। तो यार गाइज ये है श्री दत्त ढाबा। अब इसका एड्रेस एक बार मैं आपको जल्दी समझाऊं तो ये भैया ये है रेती मंडी स्क्वायर और अगर आप इधर से सीधा जाओगे तो इधर आता है डी मार्ट राजन नगर का रास्ता, ये रहा इधर। और बस अब जल्दी से अंदर चलते हैं, बाकी आप गूगल मैप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। तो भैया चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये। तो यहाँ पे आप जैसे आते हैं ना तो सबसे पहले आपको एक बाहर चीज़ दिखेगी, इंदौरी दाल वाफले 80 रुपये में आपको जोमेटो पे यहाँ से मिल जाएंगे। तो कभी आपका ऐसा दाल वाफले का मूड हो तो आप वो भी खा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए हैं, एक है फैमिली का सेक्शन अलग है और अगर आप आते हैं फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप तो भैया यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं। काफ़ी डिसेंट सी प्लेस है, अच्छा टेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो जल्दी से अब मेन्यू दिखाते हैं और टेस्ट करते हैं खाना। तो यार मैंने चीकू भैया के बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। चीकू भैया थोड़ा सा आओ। तो चीकू भैया आप यहाँ बैठेंगे खटिया के ऊपर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ढाबे में अगर आप आते हो तो जब तक आप खटिए पे ना बैठो तब तक आपको ढाबे का फील नहीं आता। मैंने बिल्कुल यहाँ बैठते हैं बिकू, क्या क्या ऑर्डर करा है सबसे पहले बताओ यार, थोड़ा सा पास में आऊं। अब ये जो एक सब्जी होती है ये वाली सेव टमाटर, ओके, मैंडेटरी होती है, पता नहीं क्यों पर हो जाती है। चलो ठीक है, फिर इस बार चिकू भैया बोले यार अपन भिंडी कभी नहीं खाते ऐसे। अच्छा, ये भिंडी दो प्याजा, तो भिंडी दो प्याजा भी एक अपन कर लिए। सब्जी जो ऑर्डर करी है वो जल्दी से भैया ने ला के दे दी हमको। एक है सेव टमाटर और एक है भिंडी दो प्याज। तो ये है अपनी तंदूरी रोटी जो कि एकदम बढ़िया सी बटर में दी है इन्होंने। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं खाना खाने हम लोग ओनियन सैलेड या ग्रीन सैलेड ऑर्डर करते हैं, बट यहाँ पर बिना ऑर्डर करे भी आपको मिलता है सैलेड, मतलब ओनियन तो मिल ही जाता है। तो चिकू भैया जल्दी से अब पूरा टेस्ट कर लो और टेस्ट करने से पहले एक बार। हाँ भैया, अगर आप आते दोस्तों के साथ तो भैया आपको अच्छी सीटिंग मिल जाएगी यहाँ पर, और फैमिली सीटिंग आपको बताया था जैसे अंदर है। सेव टमाटर की जो जान होती है ना वो होती है सेव और उसकी जो ग्रेवी रहती है वो। यहाँ पर सेव टमाटर रेगुलरली बनती रहती है तो एकदम फ्रेश सब्जी है, बहुत अच्छा टेस्ट है, थोड़ी स्पाइसी बोल सकते हैं इसके अंदर। यार 80 रुपीस के हिसाब से आपको क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, क्वांटिटी सही में बहुत अच्छी और टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो दत्त ढाबा चलता है वो सेव टमाटर की वजह से चलता है जहाँ तक मैंने सुना है। तो आप बिल्कुल जल्दी से भिंडी टेस्ट कर लो। बिल्कुल ठीक है भैया। यार ये है अपनी भिंडी दो प्याज, भिंडी दो प्याज अच्छी सब्जी दिख रही है यार दिखने में, तो आप टेस्ट में देखते कैसी है। और भिंडी मुझे पर्सनली पसंद भी आती है तो
बिना सलाद के सिर्फ सब्जी रोटी की टेस्ट करके देख लेते हैं कैसी है। रोटी चिको भैया तुमने तंदूरी बोली थी तवा बोली थी? तवा नहीं मिलती यहाँ पे, तंदूरी मिलती है। अच्छा तंदूरी मिलती है। यार मैंने चिको भैया के इसमें से थोड़ी सी सब्जी टेस्ट करी सेव की, तो जब मैंने खाई ना तो वो तंदूरी होते हुए भी तवा जैसी नरम लग रही थी। इस रोटी से कंफ्यूज हो गया था रोटी जो थी। अब ये टेस्ट करता हूँ क्योंकि आप नॉर्मली भिंडी खाते नहीं हो ढाबे पे आके, तो मैंने यार एक बार टेस्ट करना बनता है। अब आप सोचोगे यार भिंडी तो मैं घर पे भी खा सकता हूँ, तो यहाँ आके क्यों खाऊं? तो फॉर अ चेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिकमेंडेड है, अगर आपको लगता है कि आपको चेंज के तौर पे खाना है भिंडी की सब्जी तो यहाँ आके खाओ, मज़ा आएगा। मतलब यहाँ भी खाओ या कहीं और भी जाते हो तो खाया करो, मज़ा आता है। खाना बिना बटर खिचड़ी के खत्म नहीं होता है, तो मतलब बटर खिचड़ी मंगाते हैं यार ढाबे की है ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप कुछ भी खाओ उसके अंदर अलग ही देसी टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। थोड़ी स्पाइसी है खिचड़ी, बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ट्राई करना बनता है। पर अभी तक मैंने जितनी चीज़ें खाई मतलब या चाहे वो सेव टमाटर हो चाहे भिंडी हो, मेरे को सबसे अच्छी भिंडी की सब्जी लगी। भिंडी की सब्जी अच्छी है और सेव टमाटर के लिए तो फेमस है। हाँ वो तो है ही, खिचड़ी तो बनती है यार आखिरी आखिरी जाते जाते। अच्छा ओवरऑल चिकू सबसे आखिरी नहीं बता दो, बहुत अच्छा है, अच्छी जगह है बैठने के लिए और पास में यार ट्रेन वेन भी निकलती रहती है, तो आपने बहुत दिनों से ट्रेन नहीं देखी हो तो ट्रेन भी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर इसको मैं रेटिंग दूँ प्लेस को बैठने के हिसाब से तो दिस गोज 3/5, खाने को रेटिंग दूँ तो दिस गोज 3.5/5। प्राइस वाइज अच्छा है, प्राइस वाइज बहुत अच्छा है और क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है। यार जैसे मिक्कू भी हमेशा बोलते हैं कि कस्टमर रिव्यू मैटर करते हैं, तो सर आप हमेशा यहाँ पर खाते रहते हो कुछ कुछ? क्या खाते, क्या खाते हो आप? आलू टमाटर। कैसे लगता है आपको यहाँ का टेस्ट? 99.8% हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा और सर आपको कैसा लगता है? आप लोग कितनी रेटिंग करना चाहोगे? रेटिंग 98%। अच्छा 98%। क्या बात है, मतलब 4 रेटिंग मान के चले 5 में से? बिल्कुल। क्या बात है, मतलब यार ये चीज विजिट करना बनती है यार। तो यार गाइस ये था वीडियो श्री दत्त ढाबा का, जहाँ पे हमने खाई बहुत बढ़िया बढ़िया सेव टमाटर और भिंडी की सब्जी और मटर खिचड़ी और रोटी भी, बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब इंदौर के इंदौर में, मतलब अगर आप इस एरिया में कभी ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको लगता है कि बजट सेक्शन में अच्छा खाना खाना है, तो आप यहाँ के खाओ, आपको मजा आएगा फॉर अ चेंज। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारी जगह जो अभी हमको एक्सप्लोर करना बाकी है, ये एक छोटा सा शॉर्ट सिंपल वीडियो बनाया था क्योंकि नई जगह पता चली। बिल्कुल। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप कितने भी 5-star होटल या 7-star होटल में खाना खा लो, बट ढाबे का जो खाना रहता है वो अलग, वो अलग ही रहे, वो अलग सेटिस्फेक्शन रहता है। जैसे अभी 2-3 ढाबे के नाम और है, जैसे एक JK ढाबा हो गया, एक माखनदा ढाबा हो गया, एक यश ढाबा हो गया, कुछ 2-3 नाम और सोच सके वहाँ भी जाएंगे जल्दी। तब तक इस वीडियो को यहीं एंड करते, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।